दोस्तों जनरली आपने बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे जिसमें आपको ये बताया गया होगा कि प्राइवेट वीडियोस ना बनाएं, अपनी फैंटेसीज के चलते अपने खुद के न्यूड फोटोज और वीडियोस को कैप्चर ना करें क्योंकि लीक हो सकते हैं, आपकी बदनामी हो सकती है। बट आज इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि जब आपके प्राइवेट वीडियोस लीक होता है तो उसके बाद क्या होता है, कैसे आपकी रिकॉर्डेड सेक्स लाइफ किसी के लिए पोर्नोग्राफिक मटेरियल बन जाता है और कुछ ऐसे बेगैरत लोग हैं ऐसे कंटेंट से पैसा जनरेट करते हैं, किसी और की प्राइवेट लाइफ की दलाली करके खुद ऐशो आराम की जिंदगी जीते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रमोदराज शुक्ला। आज हम इस वीडियो में इंटरनेट की दुनिया के उस काले सच के बारे में बात करेंगे जिसके बारे में कोई भी खुलकर बात नहीं करता जब तक कि इसमें कोई सेलिब्रिटी इन्वॉल्व ना हो। सेलिब्रिटी कौन से होते हैं और कैसे इन्वॉल्व होते हैं वो थोड़ी देर में आपको पता चल जाएगा, बट बात बहुत ही इम्पॉर्टेंट और सेंसिटिव टॉपिक पर होगी, लीक हुए न्यूड एंड प्राइवेट MMS के बारे में। मुद्दा बहुत गंभीर है। इस वीडियो को देखने के बाद आपका जो रिएक्शन होगा वो आपकी मेंटालिटी और आपके एथिकली क्या सोच रखते हैं उसके बारे में बताएगा, तो सोच समझ कर कॉमेंट कीजिएगा। इंटरनेट की दुनिया में प्राइवेट इंफॉर्मेशन और प्राइवेट वीडियोज को बहुत आसानी से लीक किया जा सकता है। इसमें शामिल होते हैं न्यूड फोटोग्राफ्स, MMS और आपके कुछ ऐसे वीडियोस जिसके शायद लीक होने पर आपकी सोशल लाइफ और आपकी मेंटल हेल्थ पर बहुत गहरी चोट पहुंच सकती है। दोस्तों याद रखो कि दुनिया बहुत अनुकूल नहीं है, निर्दयी है ये दुनिया, और अगर आप परेशान हैं तो इस दुनिया को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सिर्फ मजे लेती है आपसे। इसमें सिर्फ पैसा मायने रखता है जो व्यक्ति इस धंधे को चला रहा है। ये लोग अक्सर ऐसे होते हैं जो आपके निजी पलों का फायदा उठाते हैं, आपके निजी फोटो और वीडियो के आज की युवा को दिखाकर अपने गंदे धंधे से अपनी जेब को भरते हैं। आपको एक एग्जांपल देता हूँ। एक पॉर्न वेबसाइट है एक्स वीडियोस के नाम। इस साइट पर आपको दो तरह के पोर्नोग्राफिक कंटेंट देखने को मिलेगा। एक कंटेंट ऐसा होगा जो इंटेंशनली पॉर्न स्टार्स और डायरेक्टर्स द्वारा बनाया गया है, काफी प्रोफेशनली एंड क्यूरेट किया जाता है इसको, और जब ये वीडियोस को अपलोड किया जाता है तो उसके ऊपर एड्स लगाई जाती है। ये ठीक उसी तरह है कि कोई प्रोडक्ट खुद को प्रमोट करने के लिए YouTube पर अपने एड्स को लगवाए। और कई बार आपने देखा होगा कि जब आप किसी वीडियो पर क्लिक करते हैं तो अचानक से कोई रैंडम वेबसाइट ओपन हो जाती है, लेकिन आप इसी वेबसाइट पे एक कंटेंट ऐसा होगा जिसकी वीडियोस की क्वालिटी बिल्कुल अच्छी नहीं होगी बट उसके व्यूज लाखों करोड़ों में होंगे, और ये कंटेंट होता है किसी की प्राइवेट सेक्स लाइफ का जो उसकी बिना मर्जी के रिकॉर्ड किया जाता है, अपलोड किया जाता है। हमारी ह्यूमन साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग हम बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं किसी भी रिपीटेटिव वर्क से या फिर एंजॉयमेंट से। उसी तरह जब आप किसी पॉर्न स्टार को बार बार देखते हैं तो आप बोर हो जाते हैं। फिर आपके मन में ये क्यूरियोसिटी होती है कि यार कॉमन एंड नॉर्मल कपल कैसे करते होंगे, डिफरेंट आइडियाज आते होंगे, और यही गंदे थॉट्स इस बिजनेस को बीज को पनपता है, यही से थॉट स्टार्ट होता है। ये कभी आपने सोचा है कि कैसे आपको 5-star वाली सर्विसेज आपको एक छोटे से होटल में मिल जाती है, वो भी सस्ते दामों में? कई बार ऐसा होता है कि ये पॉर्न साइट के ओनर्स कोलैबोरेट करते हैं इन छोटे होटल्स के साथ पॉर्न कंटेंट को पाने के लिए, जिसके लिए ये उस होटल के मालिकों को अच्छी खासी पैसे देते हैं, और आप पैसा बचाने के चक्कर में किसी सस्ते होटल या ओयो जैसे होटल में अपने पार्टनर के साथ जाते हैं और रूम में सीक्रेट कैमरा लगा होता है जो कि वो सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा होता है कि वहां जो भी हो रहा है। जब हम इस टॉपिक पर रिसर्च कर रहे थे तो हमें ये भी पता चला कि पॉर्न साइट पर होटल रूम्स के अलग ही कैटेगरी चल रही है, और कितने लोगों को ये भी नहीं पता कि उनके वीडियोस इन पॉर्न साइट पे बेची जा रही है। और शॉकिंगली कभी कभी तो ये वीडियोस लोग खुद बनाते हैं ताकि उनकी फैंटेसीज को पूरा किया जा सके, बट ह्यूमन एरर और टेक्निकल इश्यूज के चलते ये वीडियोस लीक हो जाते हैं, या कोई एक पार्टनर बिना अपने दूसरे पार्टनर की कंसेंट के ये वीडियो को अपलोड कर देता है इस पॉर्न साइट पर। कुछ ऐसा ही हुआ है कर्नाटका के एक कॉलेज में, एक लड़का और एक लड़की के साथ, एक ही प्राइवेट कॉलेज में के दो छात्र, दोनों रिलेशनशिप में थे और उनका आपस में इंटीमेट होते हुए एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। 2 महीने पहले एक अज्ञात व्यक्ति ने उनकी जानकारी के बिना कॉलेज की छत पर उनके निजी पलों का वीडियो बना लिया। फिर जब ये वीडियोस फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम पर सामने आया तो उनके परिवार की नजर भी इस क्लिप पर पड़ी। तब हालात और बिगड़ गए, हर तरफ से दोनों की बदनामी हो रही थी और दोनों पे इतना प्रेशर बढ़ा कि वो हैंडल नहीं कर पाए और अंत में दोनों ने आत्महत्या कर ली।
अब आप कुछ लोग बोल रहे होंगे कि लड़का लड़की को कॉलेज में ये सब करने की क्या जरूरत थी। आपकी बात बिल्कुल सही है, मानी आपकी बात, दोनों की गलती हुई, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि जिसने उनके साथ ये वीडियो को कैप्चर किया या वायरल किया उन्होंने सही काम किया है या उन्होंने महान काम किया है। देखिए, जिनके साथ गलत होता है अगर हम सारा ब्लेम उनके ऊपर डाल देंगे तो हम एज ए सोसाइटी गलत काम करने वालों को बढ़ावा देते हैं। गलती किसी से भी हो सकती है, पर कोई ऐसी गलती के लिए सोसाइटी की बदनामी और मौत डिजर्व करे, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। और सेलिब्रिटीज क्या इसी से बचे हुए हैं? आपने कई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के बारे में देखा होगा या सुना होगा कि उनका प्राइवेट वीडियो वायरल हो जाता है। अब इन्हें क्रिटिसिज्म तो बहुत मिलता है, ये इस वीडियो के लीक होने पर आपत्ति भी जताते हैं। पर इस पूरे सिनेरियो की एक साइड ये भी है कि इन इन्फ्लुएंसर के लिए फॉलोअर्स मिलियंस में हो जाते हैं, या यूं कह लीजिए कि रातों रात इन्हें एक तरह की नेगेटिव पब्लिसिटी मिल जाती है और यूथ को मिल जाता है कंटेंट जो उन्हें बर्बाद कर सकता है। और सेलिब्रिटीज के मामले में सबसे बड़ा एग्जाम्पल हमारे सामने पूनम पांडे और शर्लिन चोपड़ा है, जिन्होंने शुरुआत में अपने प्राइवेट वीडियो को लीक होने में बहुत दुख जताया था, बट बाद में ये खुद ऐसा कंटेंट बनाकर अपने वेबसाइट पे या इस तरह की वेबसाइट पे अपलोड कर रही हैं और पैसे कमा रही हैं। पर दोस्तों, कुछ इन्फ्लुएंसर या सेलिब्रिटीज ऐसे भी हैं जो प्राइवेट वीडियो बनाकर गलती तो कर लेते हैं पर कभी ये नहीं चाहते कि उनके ये मोमेंट्स लोगों के सामने आए। पर फिर भी ऐसा हो जाए तो हालात कैसे होते हैं, इसके बारे में आपको रिसेंटली एक सेलिब्रिटी कपल के साथ जो हुआ उसके बारे में मैं आपको बताता हूं। पंजाब में कुल्लड़ पिज्जा नाम से अपनी खुद की शॉप चलाने वाले एक कपल, ये सिर्फ शॉप नहीं चलाते थे बल्कि सोशल मीडिया पर फेमस भी थे, या ये कह लीजिए कि दोनों इन्फ्लुएंसर भी थे। इनकी जिंदगी में सब कुछ अच्छा चल रहा था, घर में एक बच्चे का जन्म भी होने वाला था, पर एक दिन ऐसा आता है जो इनकी जिंदगी को बदल कर रख देता है। इस कपल का इंटीमेट होते हुए एक प्राइवेट वीडियो जो कि बहुत पहले रिकॉर्ड हुआ था वो इंटरनेट पर वायरल हो जाता है, जिससे इनको काफी बदनामी का सामना करना पड़ता है। पर आज का जमाना कहां किसी को जीने देता है, इनके ऊपर मीम्स बनने लगे बहुत ज्यादा और लगभग हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इनके वीडियो का लिंक शेयर किया जाने लगा। ये मानते हैं कि इनको ये वीडियो नहीं बनानी चाहिए थी और लोगों से रोते हुए हाथ जोड़कर गुजारिश की थी कि इस वीडियो को सर्कुलेट ना करें, पर लोगों की आत्मा मर चुकी है। अगर इन्होंने ये वीडियो बनाई भी थी तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसको लीक कर दिया जाए और वीडियो को लीक करने का इल्जाम भी इन्हीं के ऊपर लगा दिया जाए। सरप्राइजिंगली ये वीडियो लीक जो हुआ था उन्हीं का एक एम्प्लॉय था जिसे अच्छा काम ना करने पर फायर कर दिया गया था। अब वीडियो उस एम्प्लॉय के पास कैसे पहुंचा ये तो पुलिस की कार्रवाई से ही पता चलेगा कि आगे क्या है इसके पीछे। बट याद रखिए कि अगर आपने भी वो वीडियो देखी है या शेयर की है तो आप भी उस क्राइम में बराबर के भागीदार हो, बिल्कुल हो आप, क्योंकि अकॉर्डिंग टू अवर इंडियन लॉ अगर कोई भी जानबूझकर किसी व्यक्ति की गोपनीयता का उल्लंघन करने वाली परिस्थितियों में उसकी सहमति के बिना उसके प्राइवेट पार्ट्स को कैप्चर, पब्लिश या ट्रांसमिट यानी कि शेयर करे तो उसे जेल जाना पड़ सकता है, वो भी 3 साल के लिए, और साथ ही साथ उसे 2 लाख का जुर्माना भी हो सकता है। दोस्तों, अपनी फैंटेसीज और इच्छाओं पर काबू रखिए। आपके इन्हीं रिकॉर्डेड फैंटेसीज से कुछ लोग धंधा कर रहे हैं जो किसी दलाल से कम नहीं है। और ये भी याद रखें कि अगर इंटरनेट की दुनिया में कुछ अपलोड हो गया तो उसे मिटाना बहुत मुश्किल हो जाता है और कॉन्सिक्वेंसेस तो आप सभी जानते हैं कि कितने भयानक हो सकते हैं। और इस टॉपिक के अंत में हमारा मैसेज यही होगा कि जो लोग किसी की जिंदगी से खिलवाड़ कर रहे हैं ना, वो कानूनी तौर पर तो गलत है ही पर सामाजिक तौर पर भी बहुत बहुत बड़ा पाप कर रहे हैं, क्योंकि हमारा भारत का समाज जिन धार्मिक सभ्यताओं की बुनियाद पर खड़ा है उसमें से कोई भी धर्म ऐसे काम करने की इजाजत नहीं देता है। अब कुछ लोग कहेंगे कि मैं धर्म और भगवान को नहीं मानता, तो आप पुलिस के डंडे को तो मानते हैं, उसके लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि इंटरनेट के जमाने में आपका सच, आपका रिकॉर्ड कुछ भी छुपा नहीं है, अच्छी तरह से आपको ट्रैक किया जा रहा है। फिर चाहे आप VPN का इस्तेमाल करें या इनकॉग्निटो टैब का, आपको ट्रैक किया जाएगा। बाकी आप इस बारे में क्या सोचते हैं कि प्राइवेट वीडियोज के लीक होने में किसका दोष होता है, एक लड़के का, एक लड़की का, या उस प्राइवेट मोमेंट का, या उन लोगों का जो इसको कैप्चर करते हैं और पॉर्न साइट पे या फिर सर्कुलेट करते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे? अपनी राय कमेंट बहुत सोच समझ के दीजिएगा। धन्यवाद।